एक जंगल था। उस जंगल में बर्फ गिरने लगता है। उस जंगल के पक्षी रानू, गोरी, सुनहरी दोस्त थे। वो तीनों स्नेह से रहते थे। सुबह होते ही सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं। गोरी कभी रानू चिड़िया और सुनहरी के पास अपने अपने घर थे। शाम होते ही वो तीनों अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। घोंसलों में जाकर कैंप फायर लगाकर आराम से बिस्तर ओढ़कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को अपना घर नहीं था। वो एक पेड़ के ऊपर पत्तों के नीचे छुपकर सो जाती है। वो ठंड से कांपते हुए सभी के घर देखकर अपना घर नहीं करके दुख होने लगती है। हे भगवान, मैं इतने दिनों से घर बनाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथों से घर बन रहा ही नहीं है। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। सारे पक्षियों को घर बनाना आता है सिवाय मेरे, वरना मुझे भी अब तक एक मजबूत घर होता था। आराम से सो रही रानू चिड़िया एकदम से नींद से जग जाती है। हे भगवान, बाहर इतनी ठंड है, पता नहीं टुनटुनी चिड़िया कैसे खुद को गर्म रख रही होगी। कोई पक्षी उसको आसरा दिया है तो अच्छा होगा। ये सब मैं क्यों सोच रही हूँ। कोई भी पक्षी उस बेचारी रानू चिड़िया के बारे में सोच रही नहीं है। इस जंगल में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मुझे ही सबका ध्यान रखना चाहिए। रानू चिड़िया मोबाइल फोन उठा के गौरी कव्य को फोन लगाती है। दूसरी तरफ गौरी कव्य आराम से अपने घर में बिस्तर ओढ़कर सो रही होती है। तभी रानू चिड़िया का फोन आता है। अरे, इस समय में किसका फोन आ रहा है। हेलो, मैं इतने नींद में हूँ, कौन फोन कर रहा है। गौरी, मुझे टुनटुनी चिड़िया की याद आ रही है। पता नहीं वो इतने ठंड में क्या कर रही होगी। देखो रानू, तुम्हें याद आ रही तो तुम उसके पास जाके उसके पास ही बैठो। मुझे क्यों फोन लगाई हो, मेरी सारी नींद खराब हो गई है। अब रखो फोन। अरे गौरी, सुनो तो। तब तक गौरी कवि फोन काट देती है। फिर रानू चिड़िया फोन रख के खुद ही अपने घर में टुनटुनी को ले आने का सोचती है। रानू चिड़िया टुनटुनी को पूरा जंगल ढूंढती है। तभी पत्ते ढककर सो रही टुनटुनी दिखाई देती है। टुनटुनी, तुम ऐसे ही बर्फ में रही तो मर जाओगी, चलो मेरे घर चलते हैं। रानू के मुंह से ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू बहन, तुम तो मेरे लिए देवता बनकर आई हो, अगर तुम नहीं आती ना सच में मैं मर जाती इस ठंड से। रानू टुनटुनी को अपने घर ले जाती है। वो दोनों मिलकर रानू चिड़िया के घर आते हैं। रानू चिड़िया के घर में कैंप फायर लगा हुआ था। टुनटुनी, तुम जैसा तुम्हारे दोस्तों के बारे में सोचते हो ना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचते। सभी को अपना मत मानो। ये सब बातें बोलकर रानू चिड़िया टुनटुनी को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। रानू चिड़िया हमेशा से ही सबकी मदद किया करती थी। एक दिन रानू ऐसे ही पूरा जंगल घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि सुंदरी कव्वी और लाड़ो चिड़िया लड़ रहे होते हैं। तुरंत वो उनके पास जाती है और उनसे कहती है, रुको रुको, तुम दोनों इस तरीके से क्यों झगड़ रहे हो, मुझे बताओ। हैं, तुम हो कौन, बीच में क्यों आई हो, निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है सुंदरी बहन, तुम्हारी दिक्कत क्या है मुझे बताओ। अगर लाड़ो नहीं कर पाई तो
वो काम मैं कर लूंगी। पिछले साल ये लाडो ने मेरे पास से कुछ पैसे उधार लिया है अपने खेती के लिए। अपना खेती तो वो अच्छे से चला रही है, लेकिन मेरे पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रही है। उधार लेते समय तो ये लाडो मेरे पास आके रो रही थी। अभी चुकाने की बारी आई तो आज दूंगी कल दूंगी बोल के टाल रही है। सुन लो लाड़ो, अगर तुम कल तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दी तो ये तुम्हारी सारी खेती निकाल कर ले जाऊंगी। सुंदरी बहन, बस थोड़े दिन का मोहलत दे दो, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए मेरे सारे पैसे उसी में ही चले गए। लाड़ो, मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर कल तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो ये खेत और तेरा घर मैं छीन लूंगी। ऐसा कहकर वो सुंदरी कवि वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जानू बहन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं अकेले ही ये खेती की कटाई नहीं कर सकती, अगर तुम मेरी मदद की तो खेती की कटाई करके वो पैसों से मैं उस सुंदरी कवि के सारे खर्च चुका दूंगी। जानो चुड़िया मदद करने के लिए मान जाती है। दोनों मिलके खेती की कटाई करने लगते हैं। जानो बहन, इतनी जल्दी खेती की कटाई सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मुमकिन हो पाया। अगर तुम ना होती तो मेरा आधा काम भी पूरा नहीं हो पाता था। कोई बात नहीं लाड़ो, जंगल के पक्षियों को मदद करना ही मेरा काम है। मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी मेरा घर में इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर वो अपने घर वापस चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया पहले से ही अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। माँ, तुम कल रात से कहाँ थी? टुनटुनी बेटा, मैं जंगल में एक पक्षी की मदद कर रही थी। माँ, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने में क्यों लग जाती हो? कभी तो तुम्हारे घर के बारे में भी सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं है टुनटुनी बेटा, अगर पक्षियों को मदद चाहिए तो हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए। अब चलो, हम हमारे कद्दू के खेत पर चलते हैं। थोड़े बहुत कद्दू काट कर घर लाते हैं, कल सुबह बाजार में बेच देंगे। ऐसा कहकर अपनी बेटी को लेके कद्दू के खेत पर आ जाती है। देखो टुनटुनी बेटा, हम दूसरे पक्षियों को मदद करने की वजह से भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा। देखो हमारे खेत में कितने बड़े बड़े कद्दू उगाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम दोनों ने मिलकर इस खेत पर बहुत मेहनत की है, इसी कारण बड़े बड़े कद्दू उग गए हैं। टुनटुनी बेटा, लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी घर चलते हैं। वो दोनों जाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से जोरों की बारिश हवा शुरू हो जाती है। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, चलो जल्दी से घर चलते हैं। वो दोनों घर जाने लगते हैं। हवे के कारण घर जा ही नहीं पाते हैं। उस खतरनाक बारिश और हवे के कारण रानू चिड़िया का घर भी नदी में बह जाता है। वो दोनों डर के मारे अपने खेत में ही बैठे रहते हैं। तभी एक कद्दू बड़ा सा विशाल घर में बदल जाता है। रानू, टुनटुनी, जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ। कद्दू घर, हमें मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम बात कैसे कर सकते हो? जानो, तुम जंगल में हर कोई पक्षी की मदद करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। माँ, अब मुझे पता चला, हर किसी की मदद करने से भगवान हमारी भी मदद जरूर करता है। इस तरह वो दोनों बारिश के दिनों में
उस कद्दू के घर में खुशी खुशी से रहने।